हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल न्यू एंड्रॉयड अपडेट में। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि छोटे फ़ोन यानी कि जो ये कीपैड फ़ोन होते हैं उसकी कॉल हम कैसे सुनेंगे। जी हाँ फ्रेंड, इस पर जब किसी का कॉल आएगा तो दूसरे फ़ोन पर कैसे सुनेंगे, यानी इसकी कॉल हम दूसरे फ़ोन पर कैसे सुनेंगे। बड़े बड़े फ़ोनों का तो वीडियो आप लोगों ने बहुत देखा होगा कि बड़े बड़े मोबाइल में किस तरीके से किस क्या किया जाता है, तो आप यह काम कर सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि यदि आपके पास कीपैड का फ़ोन है या आपकी गर्लफ्रेंड के पास कीपैड फ़ोन है और आप चाहते हैं कि उसकी जो फ़ोन आती है वह किसकी किसकी आती है हम अपने दूसरे नंबर पर सुनना, तो आप बहुत ही आसानी से इस फोन की मदद से सुन सकते हैं एक कॉर्ड की मदद से। तो कौन सी कॉर्ड है और किस तरीके से सुनना है आज की इस वीडियो में सब कुछ आप लोगों को बताने वाला हूं। तो फ्रेंड, यदि आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो प्लीज इस वीडियो के साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल के लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ घंटी का बटन है, घंटी का बटन को दबा के ऑल के ऊपर में क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे कॉमेंट बॉक्स है, इस कॉमेंट बॉक्स में आकर एक अच्छा सा कॉमेंट लिख सकते हैं जो भी आपका दिल करे। तो इतना सा काम आप हमारा प्लीज करें दोस्तों। तो आइए फ्रेंड, वीडियो में बताते हैं कि किस तरीके से आप इस पर आने वाले कॉल को दूसरे फोन पर सुनेंगे। मान लो कि यह आपका दोस्त का फोन है या आपकी गर्लफ्रेंड का फोन है जो छोटा फोन है और आप चाहते हो कि इस पर जो भी कॉल आए वो हम अपने दूसरे फोन पर सुने, तो उसके लिए आपको इसमें एक कॉड डायल करना होगा। बस आपको यह पता करना होगा कि जो इसके अंदर में फोन में सिम लगा हुआ है वह किस कंपनी का है। फिलहाल इसमें देख सकते हैं एयरटेल का सिम है, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, यह तीन सिम अगर हैं तो एक कॉड डायल करना होगा। अगर इसके सिवा जियो का फ़ोन है, क्योंकि जियो के फ़ोन में सिर्फ जियो का सिम चलता है, उसके लिए मैं इस ट्रिक के बाद में बताऊंगा कि जियो का फ़ोन है तो कौन से कॉड डायल करना होगा। यदि एयरटेल का सिम है, आइडिया है, वोडाफोन है, तो उसके लिए आपको एक कॉड डालना है। कॉड है दोस्तों ***2*1*, और अब आपको यहाँ पर एक मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर आप वह डालना है जिस पर इसका कॉल सुनना चाहते हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पर एक मोबाइल नंबर अपना ही डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद में लास्ट में हैश लगाना है और लगाने के बाद में आपको कॉल कर देना है। नंबर देख लीजिए ***2*, उसके बाद में मोबाइल नंबर 10 अंक का और हैश बटन लगा के यहाँ पे कॉल पर क्लिक कर देना, यानी ओके पर क्लिक कर देना है। जब आप ओके पर यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देखिए क्या लिखा हुआ है, कॉल डाइवर्टिंग ऑल डेटा वॉइस कॉल, यानी कि अब इस नंबर पर जो भी कॉल आएगा, जो नंबर मैंने यहाँ पर डाल दिया है उसके नंबर पर कॉल चला जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, इस पर आने वाले कॉल अब उस नंबर पर चले जाएंगे जिसका नंबर मैंने यहाँ पर डाल दिया है। यदि आप चाहते हो कि नहीं अब मुझे कॉल नहीं सुनना है, यदि आप चाहते हो कि नहीं अब मैं इस सर्विस को बंद करना चाहता हूँ, मैं कॉल नहीं सुनना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपको एक कॉल डालना है **2*1# और ओके पे क्लिक कर देना है। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही आपने यह कॉड जब डाला तो जो इस पर कॉल डाइवर्ट लगा हुआ था वह कॉल डाइवर्ट हट गया। तो यह तो हो गया दोस्तों कि एयरटेल, आइडिया और वोडाफोन का सिम है तो इस तरीके से कॉल डाइवर्ट लगा सकते हैं और कॉल डाइवर्ट हटा सकते हैं। यदि मान लो कि यह जियो का फोन है और आप कीपैड जियो के फोन में इस ट्रिक को लगाना चाहते हैं तो कैसे लगाएंगे। देखिए फिलहाल तो ये जियो का फोन नहीं है, तो मान लो कि यह जियो का फोन है, चाहे छोटा है या बड़ा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आपको उस जियो फोन के डायलर में जाना है और आपको एक कॉड डालना है। कॉड है दोस्तों **401* और आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है जिस मोबाइल नंबर पे कॉल को आप भेजना चाहते हो, यानी इसकी कॉल सुनना चाहते हो। तो मैं यहाँ पर एक नंबर डाल देता हूँ। देखिए ध्यान से देख लीजिए **401* और मोबाइल नंबर डालकर यहां से कॉल कर दीजिए।
तो देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने यह नंबर डायल किया तो बोला कि कॉल फॉरवर्डिंग हो गई है, यानी कि छोटे फ़ोन में जब यह कॉल डालेंगे तो उसकी जो कॉल आएगी उस नंबर पर चली जाएगी जिस नंबर को आपने वहां पे डाला है। यदि आप चाहते हो कि नहीं अब हम डीएक्टिवेट करेंगे, उसके लिए आपको यहां पर *402 उसी फ़ोन में डायल करके कॉल कर देना है। तो देखिए दोस्तों, *401* लगाकर मोबाइल नंबर डालकर जब आप कॉल कर देंगे उस नंबर से, तो जिस नंबर को आप ऐड करेंगे उस पर कॉल चला जाएगा, और *402 लगाकर जब डायल कर देंगे तो जो नंबर आपने एक्टिवेट किया है वो नंबर डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को बता दिया कि कीपैड फ़ोन है तो आप कीपैड फ़ोन की कॉल को दूसरे फ़ोन पर कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो इस वीडियो में यही जानकारी दे रहा था। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर जाइएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।